नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर योगेश वाड़िक। ये वीडियो हाई बीपी पार्ट टू। पहले पार्ट में हाइपरटेंशन के बारे में मैंने बताया था कि हाई बीपी किसे कहते हैं, उसका कारण क्या क्या है, उसके लक्षण कौन से हैं और हमारे शरीर पर उसका क्या साइड इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं हाई बीपी से बचने के उपाय बताऊंगा और जो कॉमन प्रश्न जो है वो पेशेंट हमसे पूछते हैं उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा और अंत में मैं उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो पहले पार्ट में एक लक्षण छूट गया था बताने का, वो था हाई बीपी का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण चक्कर आना। चक्कर आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आप बीपी चेक कर लीजिए। तो पहले मैं बताऊंगा कि क्या क्या नहीं करना चाहिए बीपी कंट्रोल में रखने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो नमक खाना कम खाना। इंडियंस के खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उतना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नमक से बीपी बहुत ही बढ़ता है, तो कम से कम नमक का इस्तेमाल खाने में कीजिए। उसके बाद जो होता है तला हुआ खाना, घी का खाना, खाने में ऑयल बहुत ही कम रखना चाहिए। मसालेदार रेस्टोरेंट का खाना हमें कम करना चाहिए, तीखा खाना भी कम करना चाहिए। उसके बाद आता है शराब पीना, शराब तो बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। उसके बाद गुटखा, पान, तंबाकू, स्मोकिंग, वो भी चीज़ें बंद करनी चाहिए। और नॉनवेज बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नॉनवेज तो पूरी तरह से बंद करना चाहिए, बिल्कुल ही मत खाना चाहिए। मटन, अंडा, आप फिश खा सकते हैं लेकिन चिकन, मटन, अंडा नहीं खा सकते। उसके बाद जो है वो है पापड़, लो पिकल्स जो है, और ड्राइड फिश जो मिलती है बाज़ार में उसमें नमक होता है ज़्यादा, तो वो भी नहीं खाना चाहिए। तब आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए उससे बीपी कम होता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो उससे बीपी कम होने में बहुत ही मदद होती है। वो क्या है एरोबिक एक्सरसाइज, तो स्किपिंग रोप्स, चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से चलना, ये एरोबिक एक्सरसाइज होती है। उसके बाद जो है स्विमिंग करना, दौड़ना, इसे भी एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। लेकिन आपकी उम्र 40 के नीचे हो तभी आप ये सब कर सकते हैं। 40 के ऊपर अगर आपकी उम्र हो तो आप सिर्फ तेजी से चल सकते हैं या फिर नॉर्मली चले तो भी ठीक है। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 5 दिन तो आपको ये एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, 5 दिन, कम से कम 5 दिन। और 30 मिनट से 45 मिनट तक आप तेजी से चल सकते हैं, वो बेटर एक्सरसाइज है। उसके बाद आप क्या क्या खा सकते हैं बीपी कम करने के लिए, तो आप फल जो है फल खा सकते हैं और हरी सब्जियां जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। फल आपको कम से कम रोज एक तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो बीपी कम करने के बहुत ही काम आते हैं। करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे स्ट्रेस कम होगा और बीपी भी आपका कम हो जाएगा। अगर कोई मरीज हमको ओपीडी में 140-90 से ऊपर का मिलता है जिसको हाई बीपी है, तो हम उसे गोलियां शुरू करते हैं। तब बहुत सारे मरीज हमको ये पूछते हैं कि ये जो गोली है बीपी की, ये हर रोज क्यों लेनी पड़ेगी, 2-3 दिन में या 4 दिन में लो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि इस गोली की, बीपी की गोली की लत तो नहीं पड़ेगी, आदत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीपी की गोली की आदत नहीं पड़ती, बिल्कुल भी आदत नहीं पड़ती। ये कोई सोनी की दवा नहीं है या फिर कफ सिरप नहीं है जिसकी आदत पड़ेगी। और ये जो गोली है
वो हर रोज लेनी ही पड़ती है। तो आपके मन में ये सवाल आ जाएगा कि हर रोज क्यों लेनी पड़ेगी बीपी की गोली। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम एक गोली लेते हैं आज, तो उसका असर सिर्फ 24 घंटे तक ही रहता है। उसके बाद जो है वो शरीर में बीपी बढ़ने की प्रोसेस जो है वो निरंतर शुरू रहती है। उसके बाद जब गोली का असर खत्म हो जाएगा तो बीपी बढ़ता ही जाएगा। मानो आज 140-90 है, 2-3 हफ्ते तक आपने गोली नहीं ली तो बीपी आपका बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। मानो 160 और 100 हो गया। उसके बाद जब महीना 2 महीने हो गए तो आपका बीपी बढ़ता ही जाएगा, 180 होगा, 110 होगा, लेकिन कम नहीं होगा। इसीलिए रोज गोली लेना बहुत ही जरूरी है। बीपी बहुत ही हाई हो गया तो क्या क्या हो सकता है ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। तो आपको दो चीजें तो करनी ही पड़ेगी। पहले गोली हर रोज की रोज खानी ही होगी, वो चूकनी नहीं चाहिए। और दूसरी जो बात है वो है हर महीने में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीपी चेक करवा लीजिए। अगर ऐसा हो कि आपको कोई गोली की साइड इफेक्ट हो, जैसे कि कुछ कुछ को ऐसा होता है कि गोली खाने के बाद सिर में दुखता है, चक्कर आ जाती है, घबराहट सी होती है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी चेक करवा लीजिए और उनको बताइए कि ये गोली मुझे सूट नहीं होती, तो वो आपको दूसरी गोली दे देंगे जो आपको सूट हो जाए। हाई बीपी का ट्रीटमेंट बताऊंगा मैं, सिर्फ आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट बताऊंगा क्योंकि एलोपैथी औषधि है वो हर एक पेशेंट को अलग अलग और चेक करने के बाद ही देनी पड़ेगी। पहले टैबलेट अबाना, ABANA, अबाना टैबलेट, 2 टैबलेट्स सुबह दोपहर को और शाम को खाने के बाद। और उसके बाद पुनर्नवासव 4 चम्मच प्लस 4 चम्मच पानी मिक्स करके सुबह और शाम लेने की। इसमें आप बीपी कंट्रोल हो जाता है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो गया तो आप सर्पगंधावटी भी ले सकते हैं, वो 2 टैबलेट सुबह दोपहर को और शाम खाने के बाद लेनी होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और स्वास्थ्य के संबंधी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।